सो जैसे कि तुम लोगों ने सिनेमैटिक शॉट्स तो देख ही लिए होंगे, सो फर्दर मैं बताऊं कि इसके आरजीबी लुक वाइज कैसे, आरजीबी लुक वाइज भी ऑब्वियसली तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, मैं बताऊं फर्दर कि इसके आरजीबी फंक्शंस कैसे हैं, इसमें क्या क्या फर्दर चीज़ें प्रसाद प्रोवाइड की गई हैं। तो उससे पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ये हमारा मेरा आई गेस 10th या 11th टेक है जो मैं वीडियो का बना रहा हूँ, बट अभी मुझे नहीं पता है कि मेरा टेक सही होने जा रहा है या नहीं, बिकॉज बीच बीच में काफ़ी आपका भाई मिस्टेक्स कर रहा है। तो अगर फिर भी तुम लोगों ने लाइक नहीं किया तो यार भाई दिल से बुरा लगता है। खैर मैं तुम लोग को बताता चलूँ, आज हम बात करने जा रहे हैं बजट गेमिंग हेडफोन्स की। बजट मीन्स 3K से लेके 5K तक की रेंज में। सो मैं तुम लोग को बताता चलूँ कि आई हैव बीन यूजिंग डिफरेंट हेडफोन्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक 3 to 4 years से मैं पीसी गेमिंग कर रहा हूँ। पीसी गेमिंग भी समहाउ लाइक ऑन लाइव स्ट्रीम, लाइक यू गाइस नो, जिनको पता है जिनको नहीं पता मैं बता चलूँ, आप लाइव स्ट्रीम। सो लाइव स्ट्रीम में तो मैं एक लाइक डिफरेंट गेम प्ले करता हूँ जो कि पीसी गेमर्स को काफ़ी बुरा लगता है, बट पीसी गेमिंग भी करता हूँ, जस्ट लाइक आई यूज टू प्ले रेड डेड रिडेम्पशन 2 एंड डिफरेंट गेम। तो उनमें लाइक काफ़ी अच्छे हेडफोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, बस लाइक अगर आप एक्शन गेम्स भी यूज एक्शन गेम्स प्ले करते हो तो उसमें जो है आपका साउंड क्वालिटी बहुत लाइक मेजर पार्ट रखता है, आपको लेफ्ट से साउंड आ रहा हो राइट से तो ये मेजर पार्ट रखता है, बट जो कि काफ़ी डिफरेंट हेडफोन्स प्रोवाइड करते हैं लाइक 7.1 वर्चुअल साउंड आ रहा है, जो कि गेमिंग में आई गेस मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। काफ़ी डिफरेंट मुझे इसमें वो देखने को मिलता है, इशूज़ देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है कुछ लोगों को पसंद है। खैर बात आगे ज़्यादा बढ़ रही है, मैं तुम लोग को बता चलूँ कि मैंने जो है कुशन ईट के भी हेडफोन यूज़ करे, लाइक G2000 एंड ब्लडी के भी यूज़ करे, G528 रेड रिंग के भी डिफरेंट हेडफोन यूज़ करे, बट मुझे कोई ऐसी प्रीमियम क्वालिटी तो ना दिलाई, लाइक साउंड क्वालिटी वॉज वेरी गुड, बट जो मुझे माइक क्वालिटी वॉज लाइक काफ़ी शिट्टी ना दिलाई, स्पेशली इन ब्लडी G528 सी। और काफ़ी लोग भी, मैं क्या, काफ़ी लोग यही बात कहते हैं कि यार ब्लडी G528C के जो है हेडफोन वॉज लाइक हेडफोन इज़ वेरी गुड बट द माइक इज प्रीटी शिट। सो वी हैव लाइक वी डू केम विद द कंक्लूजन, वी डू केम विद द लाइक सॉल्यूशन फॉर दिस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दिस हेडफोन की, इस हेडफोन की। तो दिस इज़ पेंटेक SG23, ये वो वाहिद ब्रांड है जिसने पाकिस्तान में लाइक लॉन्च होने के बाद ही काफ़ी अपना एक मैार बना लिया, काफ़ी अपना एक नाम बना लिया, बिकॉज ये हेडफोन्स का जो है अगर मैं बात करूँ, लाइक पीछे भी मेरे ये हैंग कर रहे हैं, लाइक आई एम ऑल्सो यूजिंग SG23 और ये भी बॉक्स पैक है, बिकॉज मेरे दोस्त से यार उन्हें भी काफ़ी मंगवाए थे, एंड अगर आप लोग भी बाय करना चाहो इसको तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए दराज लाइक रिटेल स्टोर से भी बाय कर सकते हो, लाइक वो मेरे वन लाइक रिलेटिव का है, और अगर तुम लोग मेरे थ्रू बाय करते हो तो काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। एज यू गाइज कैन लाइक कैन सी कि अगर तुम लोग दराज की वेबसाइट पे जाओ, दराज के आउटलेट पे जाओ, तो वहाँ पे इसकी मार्केटिंग प्राइस है 5000, बट अगर तुम मेरे दिए हुए दराज के वहाँ से जाके बाय करोगे, आउटलेट से स्टोर से जाके बाय करोगे, तो आई विल प्रोवाइड यू गाइज अ बिग डिस्काउंट। सो वो सब बातें छोड़ते हैं, इसकी मैं तुम लोग को डिटेल्स देता हूँ। सो बेसिकली ये काफ़ी अभी मार्केट में इन नहीं हुआ है, लाइक स्पेशली शॉप्स में इन नहीं हुआ है, बट जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ेगा आगे। तो इसमें जो है हमें 7.1 साउंड विजुअल साउंड देखने को मिलता है, और एक और चीज़ जो इसमें खासी जो है मायने रखती है, दैट इज़ कि भाई इनका अपना सॉफ्टवेयर है, यप इनका अपना सॉफ्टवेयर है, लाइक मैं रेड ड्रैगन के यूज़ कर रहा था, कुशन के यूज़ कर रहा था, मुझे उनमें कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड नहीं किया गया, लाइक आप जो है वो नॉर्मल से हेडफोन या नॉर्मल गेमिंग हेडफोन आप यूज़ करो, ऐसे ही निकालो रख दो, बट इसमें जो है एक इनका अपना प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, प्रॉपर इनका जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप सारी अपनी जो है प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपना साउंड कम कर सकते हो, तेज़ कर सकते हो, माइक अपने हिसाब से उसकी हर्ट्ज़ डीबी कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बाकी इसकी अगर मैं तुम लोग को स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ तो काफ़ी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन है, मैं तुम लोग को स्क्रीन पर दिखा दूँगा। बाकी जो है अगर मैं इसको कंपेरिजन करूँ तो आई विल डू कंपेयर दिस हेडफोन विद रेजर क्रैकन प्रो, सही है, और जो है और भी डिफरेंट हेडफोन हैं जैसे कि कॉर्सेयर के, तो मैं उनके साथ इसको ज़रूर कंपेयर करूँगा, बिकॉज साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड माइक क्वालिटी ही काफ़ी अच्छी है। तो यार बिना किसी देरी के इसको अनबॉक्स करते हैं, लेट्स अनबॉक्स दिस। सो चलो
तो यहाँ पे आपके भाई ने ऑलरेडी इसकी सील्स हटा दी हैं, बिकॉज उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होना था। तो ये मेरे एक दोस्त का है जिसको मैंने बॉक्स पैक देना था, बट ये अब तुम लोग के लिए अनबॉक्स होगा और उसकी हटेगी, बट स्टिल आपका भाई मैनेज कर लेगा, कोई ना होता है यार, इतना भी दोस्त ना करे तो फिर क्या। खैर भाई के हाथ का यूज़ हुआ भाई हेडफोन होगा, तो मैं तुम लोग को दिखाऊँ तो जानिए आप, सीन तो इसकी बड़ी टाइट है। ओके, बॉक्स बड़ी टाइट तरीके से पैक हुआ है। तो यहाँ पे हम बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली ही हेडफोन्स देखने को मिलते हैं। ओके, हमें यहाँ पे हेडफोन्स मिले, हेडफोन्स के साथ जो है हमें एक मैनुअल देखने को मिला है, जिसको हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हम उसको बॉक्स के अंदर ही डालेंगे और बॉक्स को हम अगेन पैक करके साइड पे फेंक देंगे, यही तो किया जाता है। खैर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे फुली पैक्ड है यहाँ पे। ओके, ये हमें हेडफोन्स देखने को मिलते हैं। ओ माय गॉड, आई जस्ट अनबॉक्स अनदर फिनटेक SG20 3, क्या बात है यार, बहुत पैसा आ रहा है आपके भाई के पास। खैर यहाँ पे ये हेडफोन्स हैं, तुम देखने को देखते हैं तो यहाँ पे एयरबड्स अगर तुम लोग देख रहे हो, सॉरी यहाँ पे, या यहाँ पे अगर देखो तो काफ़ी कंफर्टेबल हैं यार ये एयरबड्स, और अगर तुम इनकी कंपेबिलिटी की बात करो तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये हमारे लाइक मैं काफ़ी पहले यूज़ कर रहा था कोशन ईच के, तो वो मेरे कानों में काफ़ी दर्द होता था उससे, हालांकि उसका भी साइज़ यही था, बट वो जो फॉर्म था वो थोड़ा हार्ड था, तो मैं उसको इस तरह से मैंने चेंज किया था। तो यहाँ पे जो है ये जो हेडफोन है, हेडफोन की जो वैल्यू है ना, मैं तो कहता हूँ कि जो हेडफोन का जो माइक है, सॉरी हेडफोन की वैल्यू में 100 में से 90% जो वैल्यू रखता है वो है इसका माइक। बिकॉज माइक जो है इसका वो नॉइस कैंसिलेशन माइक है। अब मैं तुम लोग को उसका साउंड भी दिखाऊंगा, सही है, तुम लोग मुझे खुद बताना कि यार कैसा है, विदाउट एडिट भी दिखाऊंगा और एडिट के बाद भी दिखाऊंगा। तो इसका माइक काफ़ी अच्छा है, अगर मैं टक टक भी करूँ, जैसे कि अभी मैं लाइक अपनी वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आईफोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मैं टक टक करता हूँ तो ऑब्वियसली उसमें आवाज़ जा रही होगी, बिकॉज काफ़ी इनके जो माइक होते हैं, जैसे कि मोबाइल के और डिफरेंट डिफरेंट माइक जो होते हैं, वो जो होते हैं काफ़ी उस टाइप के होता है कि वो छोटे से छोटा साउंड भी अपने पास खींच ले आते हैं, बट इसका जो माइक का जो वो लाइक रिजल्ट है, अगर मैं अपने पीछे भी दीवार भी तोड़ दूँ ये नहीं कैच करेगा, और इसका मेरे अभी तुम लोग को एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा। बाकी जो है हमें यहाँ पे फिनटेक की एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है, अगर तुम लोग इसकी बात करो तो फिनटेक की एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जिसमें हमें माइक ऑन ऑफ का देखने को मिलता है, RGB लाइट ऑन ऑफ का देखने को मिलता है बटन, माइक ऑन ऑफ का, एंड यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन का देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमें जो है यहाँ पे इनकी एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है SG20 3 की, और हमें अपर साइड पे भी एक ब्रांडिंग देखने को मिलती है फिनटेक की, जो कि जाहिर सी बात है अगर एक कंपनी बना रही है तो वो अपनी ब्रांडिंग तो ज़रूर करेगी। बट यार मुझे जो है यहाँ पे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी यार, यहाँ पे इनको अपना एक स्टिकर भी देना चाहिए था जैसे कि रेड ड्रैगन वाले देते हैं। खैर ये तुम लोगों ने हेडफोन देखा, एक छोटा सा ये चीज़ थी हमारे पास। अच्छा मैं बताते चलो, ये 3.5 mm जैक में नहीं है, इसकी USB पोर्ट है, उसके लिए अगर तुम लोग अगर मोबाइल पे यूज़ करना चाहो तो एक कन्वर्टर लेके इधर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के मैं तुम लोग को इसका साउंड दिखाता हूँ, इसका माइक साउंड कैसा लगता है, और विदाउट एडिट एंड एडिट, तो चलो देख लो फिर। सो हेलो गाइज, दिस इज़ एन ऑडियो टेस्ट। सो मैं वहाँ पे मोबाइल पे जो है साउंड एकदम ज़ीरो कर दूंगा, और यहाँ पे जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं तुम लोग को डाल के दिखा दूंगा। अच्छा ये जो एडिट है ये विदाउट एनी एडिटिंग, ये जो तुम लोग मेरा साउंड सुन रहे हो वो तुम लोग देख सकते हो, स्क्रीन पे रिकॉर्ड भी हो रहा है एट अ टाइम, एंड लाइक एग्जैक्टली मैं यहाँ से उठा के आपको डाल दूंगा, ताकि आप लोग ये ना समझो कि भाई मैं एडिटिंग एडिट साउंड जो है एडिट माइक टेस्ट जो है वो मैं डाल रहा हूँ। सो ये है एक विदाउट एडिट माइक क्वालिटी और माइक का साउंड जो कि तुम लोग अभी सुन रहे हो। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ थोड़ी सी, अगर मैं ऑडासिटी से जो है थोड़ी सी लाइक लिटिल बिट मैं एडिट करूँ तो साउंड कैसा दिखता है। हेलो, तो ये है आफ्टर एडिटिंग साउंड, ये तुम लोग को कैसे दिखता है, अगर तुम लोग कोई वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, तुम लोग कोई
लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हो, अगर तुम लोग वीडियो मेकिंग करना चाह रहे हो तो उसमें अगर तुम लोग फेस कैम के साथ या विदाउट फेस कैम अगर तुम लोग साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हो या साउंड अपना यूज करना चाहते हो तो उसमें अगर तुम लोग ऑडेसिटी से थोड़ी बहुत ऑडियो एडिटिंग करते हो तो कैसे दिखती है और ये तुम लोग के पास साफ साफ तुम लोग देख सकते हो कि इसका रिजल्ट कैसे है। सो इन माई केस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लाइक आई वुड रेट दिस आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10। बाकी तुम लोग की सबकी राय अपनी अपनी अलग अलग है, आई कांट लाइक से एनीथिंग, बट मैं जहाँ तक अपना इसको रेटिंग देता हूँ वो है 10 out of 10। सो अगर वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी हो, अगर मेरा कंपेरिजन अच्छा लगा हो, अगर मेरी इतनी मेहनत तुम लोग को पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर तुम लोग इसको बाय करना चाहते हो तो एज आई मेंशन बिफोर कि मैंने नीचे दराज के रिटेलर का जो है वहाँ पे दिया हुआ है, लाइक स्टोर का, आउटलेट स्टोर का मैंने तुम लोग को दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे भी जाके बाय कर सकते हो, वरना मेरे थ्रू भी तुम लोग बाय कर सकते हो। लाइक यू गाइज कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक, आई विल लाइक पुट डाउन माई फेसबुक आईडी इन द डिस्क्रिप्शन। इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हो एंड मुझे अगर तुम लोग चाहो तो डिस्कॉर्ड पे भी हिट अप कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्कॉर्ड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर तुम लोग मेरे थ्रू बाय करते हो, अगर तुम लोग गैराज में देखते हो तो ऑफिशियल इसके प्राइस है फेंटेक SG23 के 5000 के, 5000 में है कहीं 5500 में। अगर तुम मेरे थ्रू बाय करते हो तो आई विल गिव यू गाइज अ बिग डिस्काउंट। सो और वन मोर थिंग, जाने से पहले मैं तुम लोग को एक और चीज दिखाता चलो, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं फेंटेक SG23 के अलावा फेंटेक SG11 का भी रिव्यू दूं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये हेडफोन जो वाहिद हेडफोन है जो नॉइस कैंसिलेशन, इसमें सारे वो फीचर्स हैं जो SG23 में है, बट मैं एक इसकी तुम लोगों को एक चीज़ जो काफ़ी यूनिक है, काफ़ी रेयर है, आई गेस इसमें मेंशन नहीं है बट मैं बताऊँ, वाइब्रेशनल इसके एयरबड्स हैं। यप, वाइब्रेशनल इसके एयरबड्स हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो तुम लोग को दिखा देता हूँ एंड में, थोड़ी सी तो देख लो, फिर मैं आओ मेरे पास वापस। ये है इसके वाइब्रेशनल एयरबड्स, तो ये भी काफी अच्छे हैं। मैंने अभी तक इसको अनबॉक्स नहीं किया ना, मैंने इसको टेस्ट किया है, अगर तुम लोग कहते हो तो इसको भी मैं टेस्ट करूंगा। बाकी अगर ये भी बाय करने हो तो अगेन यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी और कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप उस दराज स्टोर ऑनर से भी, जो कि लाइक समहाउ मैं इनको जानता हूँ, मेरे नियर बाय रिलेटिव्स हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियो, अगर तुम लोग कहते हो और मैं वीडियोज बनाओ और कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोज बनाओ, so tell me in the comment section. Milte hain in the next video. Till then, take care, bye bye, Allah Hafiz.